माय ओ माय, ऐसे भी जगह होता है, कहीं है जन्नत तो नहीं है? लग तो वही रहा है, जन्नत होगा तो शायद ऐसे ही कुछ होगा। आज के लिए मैं बोल रहा हूं, कल का पता नहीं। हेलो दुनिया वालों, आई होप आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और एक नई सुबह और एक नया दिन, आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नेवर बिफोर। क्या कहते हो? फिलहाल ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज है और ये फिलहाल कोरापुट के अंदर आता है और मैं फिलहाल कोरापुट में हूँ और दिन का अराउंड 12 बजा है और अभी निकलेंगे हम लोग यहाँ से। कोरापुट का आउटस्क्रीट पे हूँ, यहाँ से देवमाली जाएंगे और देवमाली यहाँ से कुछ 65 किलोमीटर है। और भाई साहब, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैं कैसे आया भुवनेश्वर से कोरापुट तक एक ही दिन में ट्रैवल करके, आई होप वो वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। सो अभी फ़िलहाल जो है ना, चलेंगे देवमाली, यहाँ से अराउंड 65 किलोमीटर है, दिन का 12:30 बजने वाला है। दिखाई दे रहा है आपको रोड, मैं थोड़ा सा रोड के नीचे आ गया हूँ ताकि आप लोग, मैं थोड़ा बात कर पाऊँ, क्योंकि अगर मेन रोड पे खड़े होकर बात करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा नॉइजी होगा, राइट? तो थोड़ा सा अंदर में साइड में बाईपास रोड है, ऐसे कच्चा रोड है, वहाँ खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। और देवमाली चलने से पहले, अगर चैनल पर आप लोग नए हो ना तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना, भाई की थोड़ी सी मदद हो जाएगी, है ना? चलते हैं फिर, देर किस बात की है। अभी चलेंगे देवमाली की तरफ। ये है कोरापुट विजयनगरम रोड और बेसिकली ये आंध्रा से जुड़ता है ये रोड। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का जो नेक्स्ट नोटिफाइड एरिया आएगा वो है सुनाबेड़ा। और पता नहीं यार, यहाँ का लोग पता नहीं हेलमेट क्यों नहीं पहनते, एक भी इंसान हेलमेट नहीं पहना हुआ है। बहुत ही रेयर, अगर 10 इंसान रोड से जा रहा है ना तो 8 इंसान हेलमेट नहीं पहना है और सिर्फ 2 ही इंसान को आपको हेलमेट पहने हुए नज़र आएगा। पत्थर का एक पहाड़ था जिसको काट के शायद ये रोड बनाया गया है। ओह व्हाट अ ब्यूटी। अभी निकलते हैं भाई यहाँ से साइड से थोड़ा, क्योंकि रोड खाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सुनाबेड़ा 7 किमी और है आगे सुनाबेड़ा। अभी स्ट्रेट जाएंगे तो सुनाबेड़ा आएगा आई थिंक। ये हॉल का मेन एरिया है आई गेस। सो अभी भी 20 किलोमीटर बचा हुआ है, 20 किलोमीटर के बाद हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा देवमाली जाने के लिए। अभी तो फिलहाल सुनाबेड़ा के अंदर से ड्राइविंग करते हुए जा रहा हूँ मैं। तो यार अभी तो आ रहा है, बस ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ शुरुआत है भाई, आगे आगे पिक्चर अभी तो पेंडिंग है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है शिमलीगुड़ा। जितना आगे जा रहा हूँ जो ठंड जो है फिलहाल बढ़ते जा रहा है, दिन का 1 बजने वाला है और भाई साहब ठंड का जो है ना वो कुछ अलग ही है यहाँ पर मौसम। और शिमलीगुड़ा क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक ढाबा मिल गया है मुझे, और पहले तो यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बात करेंगे। भाई कौन हबो खाएगा? আপন কি স্টাফ নাম দিডি আম তো কাস্টমার ও কাস্টমার তো সিডা আই সরি ভাই সরি জেসমিন রাইস দাল আর এক মিক্স সবজি হে আর এক বা হে আর এক पहले खा लेता हूँ, खाकर फिर बात करते हैं। देनावली का खाना पसंद है तो खाना बहुत ही अच्छा था अगर मुझे पूछोगे तो, 70 रुपीस में बहुत ही डिसेंट सा खाना था भाई। अभी निकलेंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। सो फिलहाल तो पेट पूजा हो गया है भाई, अभी जो है वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि अभी जो है एनर्जी लेवल थोड़ी सी अप हो गया है, अभी आएगा मज़ा ड्राइविंग करने में और भी ज़्यादा। क्या कहते हो, है ना?
ऐसे भी करके अगर शाम से पहले अगर मैं पहुंच गया ना, अगर 2-3 बजे के अंदर मैं पहुंच गया तो बहुत ही सही रहेगा, और कहीं पे मेरे को रुकने का जगह भी ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाऊंगा मैं, फिर से मुझे रिटर्न आना पड़ेगा कोरापुट तक, क्योंकि रुकने के लिए अगर जगह नहीं होगा रात को, और स्पेशली हिल स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, सो थोड़ी बहुत तो रुकने के लिए जगह जो है चाहिए। टेंट है, वैसे तो टेंट है, पर टेंट को लगाने के लिए थोड़ी बहुत जो है जगह की ज़रूरत पड़ जाएगा। अभी देख रहे हो भाई 2 बजा है और लग रहा है कि शाम होने वाला है, इस तरह का सिचुएशन है यहाँ पर। मतलब इस ठंड का नाम क्या दिया जाए, आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स, एज सिंपल एज दैट। गांव का नाम है कुंदुली, और यहाँ से जो है लेफ्ट लेना है। आप अगर कोरापुट से जा रहे हो देवमाली की तरफ तो वहाँ से लेफ्ट लेना है, और अगर आंध्रा की तरफ से आ रहे हो तो कुंदुली से राइट लेना है। राइट यहाँ पे लोकल मार्केट बैठा हुआ है, देख सकते हो वहाँ पे ट्राइबल लोग जो है ऑलरेडी जो यहाँ पे अपने घर में जो खेती उगाते हैं उसको यहाँ पे बेच रहे हैं। का रोड जो है आगे जाकर अच्छा होगा, यहाँ पे भी अच्छा है। माली के अंदर जो है फिलहाल एंट्री कर रहा हूँ, और ओ माय वर्ड पूरा चारों ओर जो है पूरा कम्प्लीटली जो है यहाँ पर पहाड़ पूरा घिरा हुआ है, देख सकते हो पूरा पहाड़ घिरा हुआ है चारों ओर से, और यहाँ पे जो है खेती होता है। अगर अंदर चलते तो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता वहाँ पर। ऊपर से पानी आ रहा है, ये देखो यार नेचुरल पानी जो है यहाँ से आ ही रहा है थोड़ा बहुत। ओ माय वर्ड, दिस प्लेस इज हेवनली, है ना। सोच रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मुँह धो लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहाने के लिए भी है ना। ये देखो यार कहीं पूरा पहाड़ के ऊपर से जो है फिलहाल आ रहा है पानी। हो और ट्रैकिंग करके अगर पॉसिबल होता तो ऊपर जाते तो बहुत ही ज़्यादा और भी मज़ा आता है ना। और छोटा सा एक ये है, सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं अपना मुँह धो लेता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से ड्राइविंग करके आ चुका हूँ। उससे पहले ही भाई आप व्यू देखो यार, स्टिल ब्रीथ टेकिंग व्यू है ना। और गांव देखो यार, पूरा छोटा सा पहाड़ के नीचे छोटा छोटा गांव है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। और ट्रेकिंग करके जो है लोग शायद ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आई गेस जाते हैं, क्योंकि साइड से जो है छोटा छोटा रोड सारे गया हुआ है। हो मन कर रहा है जब जा रहा हूँ ना रास्ते से, तो एक ही चीज़ आ रहा है दिमाग में कि भाई हर चीज़ रिकॉर्ड होना चाहिए, और बार बार इसलिए इधर उधर घूम के मैं देख रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। सो ओ माय गॉड क्या ठंड है, होली मोली, कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। एक एक पॉइंट पे ऐसे होता है कि कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, आपको दिखाई नहीं रहता आगे रोड है भी या नहीं, या आगे क्या कुछ आ रहा है, देख रहे हो पूरा कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। तलभारा बंद भाई गांव देखो यार, ओ माय गॉड देखो यार, पूरा हिल स्टेशन है पूरा कंप्लीट। इस तरफ भी हिल है और इस तरफ भी हिल है, और बीच में जो है गांव है वहां पर 10-20 फैमिली का, और गांव का नाम है ताला भरा बंद, और नीचे जो है नीचे से एक वाटरफॉल भी गया हुआ है। होली मोली, और ये है इस गांव का रोड भाई देखो यार। ओ बॉय दिस प्लेस इज हेवनली, जो है अभी देवमाली का मेन एंट्रेंस पे हूँ अभी फ़िलहाल, और से ट्रैकिंग बाइक लेके अब ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है एक मज़ेदार चीज़ मेरे को देखने को मिला है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूँ सोचा। ये जो आपको टेंट दिखाई दे रहा है गैस, ये रेंट पे मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंट जो है रेंट पर मिलता है यहाँ पर, राइट। तो ताकि आप जब देवमाली का हाइस्ट पीक पर जाओ ना उड़ीसा का, तो आप क्या करोगे वहाँ पर जाके आप कैंपिंग कर सकते हो रात को।
सो माने ए जो टेंट आ कोड़ी रेंट मिल जी इठे आ कि आपण केते टका भाड़ा केने नउ चंदी केते गोटे राति पे रेंट केते 500 टका 500 टका नउ चंदी गोटे राति पे से टेंट को खाली खाली टेंट ना ता संग सब जिनसो दउ चंदी सब जिनसो दउ चंदी सब जिनसो सब दउ चंदी नै कि पर नाइट को 500 टका से भीतर के जन सोई होबो दुई जन पूरा कंफर्टेबल सोई होबो हाँ ठीक है ख्याल रखा गया लोग यहाँ पे जो है मुझे नहीं लगता है उसके अंदर दो इंसान कंफर्टेबल नहीं होगा बहुत छोटा सा टेंट है मेरे हिसाब से पर जो भी है पर काम चलाना पड़ेगा अपना कहाँ कूटे गया एडा एडा यही कहाँ है अपना नहीं कि आगरे आगो का अपन कहाँ बढ़िया आप गाँव गुड़ा बहुत सुंदर किंतु मत इच्छा कि आप गाँव में दिने जाए रही था आप गाँव में कमी रोचे देखती जवा देखा देवमाली गोटे कैंपिंग कर भल जगह अच्छी लोक कैंपिंग कर रात बोधे नहीं कि बहुत लोग हाँ हाँ मैंने उनको बात किया कि सर मैं आपके गाँव में आके रुक जाऊँ क्या एक दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाइए हमारे गाँव में बड़े प्यारे लोग हैं यार मज़ा आता है ना लोग जब एक मैनर से जब कोई इंसान आपसे बात करता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है उस इंसान से बात करके क्योंकि मैनर जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है हर इंसान का और इंसान का कैरेक्टर जो है मैनर से पता चलता है ना और फसल उगते ही जो है और एक बार का तैयारी हो रहा है यहाँ पर मतलब फसल उगाने की और एक बार का तैयारी चल रहा है फिलहाल देखो यार एक गाड़ी में कितना इंसान थे अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है लोग लेकिन एक ही जीप में 50-60 लोग बैठे हुए थे ओ यहाँ से थोड़ा सा भी नज़र हटी ना तो समझ लो भाई हो गई कांड ब्यूटी देख के ना मतलब ट्रेकिंग का रोड जो है वो देख के लगता है अभी अभी तो शुरू हुआ है फिर थोड़ी देर जब आगे चलता हूँ ना और ज़्यादा खूबसूरत जगह चला आता है भाई ये देखो यार यही है शायद यहीं से शुरू हुआ है पर भाई ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं रही ये देखो यार ट्विस्ट रोड देखो 90 डिग्री का ट्विस्ट है भाई ये देखो और एक कंप्लीटली 90 डिग्री का ट्विस्ट है ईस्ट टू वेस्ट ओ माय वर्ड स्लोली ब्रदर स्लोली भाई साहब आराम से कोई जल्दी नहीं 1672 मीटर ऊपर है पटांगी ब्लॉक में आता है ये कोरापुट जत्र निवासो देवमाली इस तरह का घाट शायद ही मैंने कभी देखा था आप लोगों ने देखा होगा शायद यहाँ पे आए होंगे आप लोग पर मैंने भाई इस तरह का घाट कभी नहीं देखा था नेवर एवर अभी जा रहे हैं फिलहाल जो है ओडिशा का हाईएस्ट पीक पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि ओडिशा का सी लेवल से सबसे ज़्यादा टॉप पे जो जगह है वहाँ पे फिलहाल जा रहे हैं और भाई साहब जो टर्निंग है ना वो कुछ अलग ही लेवल का है पता नहीं और कितना ऊपर है पर यहाँ पे देख ही सकते हो यार एन शेप का है पूरा एन शेप का जो यू टर्न सारे है ना वो एन शेप का है पूरा मतलब समझ लो 90 डिग्री का टर्न है देवमाली 5.8 किलोमीटर अभी भी माय वर्ड ऊपर देखो ऊपर नीचे क्या देखते हो नीचे कुछ नहीं है देवमाली 4.8 किलोमीटर आधा दिन तो लग ही जाइए देखो यार बच्चे सारे यार साइकिल लेके जा रहे हैं इनसे बात करते हैं थोड़ा साइकिल ले पड़ा चलो इतने दूर साइकिल ले चले चले पड़ा चलो हाँ 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 कूट जाओ जो कूट जाओ जो कूट जाओ जो नहीं 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 मुंह पचर से ऊपर जाओ जो पूरा देवमाली ऊपर जाओ जो हाँ हाँ तमोर गाय ठीक है को पक्की गा तमोर गा ना तमोर गा तले अच्छे कि बुलवा जाऊ मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे भाई रुक जाऊँ कुछ दिन एक हफ्ते के आसपास यहाँ पे रुक जाऊँ हर दिन ऊपर आऊँगा ट्रेकिंग करके और ट्रेकिंग करके आकर यहाँ पे जो है सो जाऊँगा रात को और दूसरे दिन सुबह सुबह होते ही निकल जाऊँगा नीचे और नीचे जाके गाँव सारा जितना है उन गाँव को एक्सप्लोर करूँगा राइट सो अगले 10-15 दिन तक जो है वीडियो सारे यहीं का आने वाला है
सो स्टे ट्यून ब्रदर्स, दिस इज गोना बी वन हेल ऑफ ए माय ट्रैवल स्टोरी। कोशिश तो यही रहेगा कि नीचे पे इसके आसपास देवमाली के अंदर जितने सारे गांव हैं ना, सारे गांव को मैं एक्सप्लोर करूं, हर गांव पे जाऊं, उनका हालचाल देखूं, कैसे रहते हैं लोग वहां पर, हर चीज़ को देखूं। कोशिश तो करूंगा, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल का किसको पता है ना। देखो यार, लोग ट्रैकिंग करके जा रहे हैं ऊपर तक। ओ माय गॉड, यहाँ पे ट्रैकिंग करके ऊपर जाना भी बहुत ही छोटा मोटा बात नहीं है भाई, लोग जा रहे हैं वही बड़ी बात है। यहाँ पर पूरा तोड़ो चोड़ी चोड़ी के आसुंती पूरा चाली के आस ओ इठू चाली के आसो वो हाल से तोड़ो चाली के आसो संभव न। थैंक यू। रेडी रेडी जो है शायद पुलिस वाले भाई लोग हैं या फिर कुछ तो है यहाँ पे। भाई भीतर जीबा कुड़े टंका हाउ हाउ ना ना मु आसबी किछ ठीक नै न आसी पारे आजी किछ असुविधा छै रहले बसा करबो के हां बसा करबो सेते हां असुविधा त नै भाई राति रहै वाला को ठीक है डबल पैसा कराउ छै कते टा 50 टा हां सेटा सेटा ठीक को जगह रहै हो पूरा अपना जो जगह रहै पारबे को जगह रहै हो किछ असुविधा नै रात्रि रहउछन्दि आपण माने त दुकान रहू चंद रात्रि तो माने पूरा खाली हो नहीं लगा जगह बहुत लोग आसी रहू थे तो रविवार शनिवार संध्या बहुत लोग आसंते बाकी दिन सच्चा लोग नहीं हमर पिला माने भी ऊपर गोटे दुकान कर अछंते तांकर पाकरे भी रह जाउंतु किछ असुविधा नहीं तो हां हां भाई रे रात्रि रहू छ तो भाई रात्रि रहू छ इ तो हां इ सो छ रात्रि रे जाउ न हाँ ठीक अच्छे मुझे ये रही कहि तुमको आसल हाँ ये रोच तो खाई पीए कौन हम रात हम तो ठीक अच्छे मुसबी रात है सो यहाँ पे और एक चीज़ सही है कि यहाँ पे जो है ना खाना पीना थोड़ी बहुत जो है मिल जाता है भाई। शका हाईएस्ट पीक पे फिलहाल ड्राइविंग कर रहा हूँ भाई और ठंड का जो लेवल है ना वो शायद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे आओगे ना तो ही शायद पता चलेगा जो ठंड का लेवल है वो अल्टीमेट लेवल का ठंड पड़ा हुआ है भाई। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे बेसिकली एक सेल्फी पॉइंट है। माय ओ माय ऐसे भी जगह होता है कहीं है जन्नत तो नहीं है लग तो वही रहा है जन्नत होगा तो शायद ऐसे ही कुछ होगा। आज के लिए मैं बोल रहा हूँ कल का पता नहीं को वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है पूरा टॉप पे शायद वहाँ पे जो है कैंपिंग करते हैं लोग और वो शायद हाईएस्ट पॉइंट है। अभी भी पहुँचा नहीं हूँ, अभी भी बहुत डिस्टेंस पे है। स्टिल गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग मतलब सिर्फ ऊपर ही जा रहा हूँ। भीड़ देखो यार जिस तरफ से मैं अभी आया, मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। हो माय इस तरफ से मैं आया हूँ आई गेस, ये जो है इस तरफ से होते हुए आया हूँ। लोको मैंने कूड आस तुम तले गाँ तुम तलर गाँ की रात्रि बेसी थंडा हो रही हो हाँ लोक उपरे कि सीठी भी शौचं आठ गोटे अच्छी सीठी भी अच्छी सबुठ उपरटा पूरा पहाड़ टॉप ऑफ द हिल कोटा पूरा उपरटा लास्ट। क्या व्यू है भाई, लोग शायद यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक चल चुके थे नहीं कि पिकनिक कर चुके लोग को नहीं कि एटा पिकनिक स्पॉट था। व्यू देखो यार ब्रीथ टेकिंग, लोग यहाँ पे जो है शायद पिकनिक मना रहे हैं और ऐसे जो पॉइंट है ना यहाँ पे शायद टेंक लगा के सो सकते हैं लोग। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे टेंक कैंपिंग करते हैं और यहाँ पे पिकनिक भी होता है। सोचो यार आप टॉप ऑफ द ओडिशा का जो है हाईएस्ट पीक पे हो और पिकनिक मना रहे हो यहाँ पर और ठंड का जो तादाद है ना यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुका है, पता नहीं टाइम क्या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। 3:42 हुआ है और ऐसे जगह पे आकर अगर आपको पिकनिक मनाना है तो उसका ही मज़ा भी कुछ अलग ही होगा है ना। यहाँ पे शायद
सब कुछ मिलता है रात को यहाँ पे, शायद खुला रहता है सब कुछ। पूछ के देखता हूँ, शायद खाना मिल जाए रात को यहाँ पर। भाई रात्रि खुला रहो चुनते अपने रो चुनते रात्रि रात सारा 24 आवर खाइबा मिल पार जगह तो कौन कौन है चाउमिन अंडा एटा सब। हाँ तो पहले जो हाईएस्ट पीक है पहले वहाँ पे चलते हैं, बाद में सोचेंगे कहाँ पे कैंप लगाना है ना। और ठंड का पता नहीं भाई, रात को शायद बहुत ज़्यादा ठंड हो सकता है यहाँ पर। वो तो शाम हुआ नहीं है, अभी 4 भी नहीं बजा है और ठंड का जो है ऑलरेडी यहाँ पे पता चल रहा है, मतलब महसूस हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी ठंड जो है बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का ठंड लगा पड़ा है भाई यहाँ पर। पर हाईएस्ट पॉइंट पे चल के देखते हैं हाउ डज इट फील्स लाइक, है ना। ओ माय गॉड, ऑलरेडी जो है ठंड का कहर जो है बरस रहा है भाई। आपको लग रहा है शायद यहाँ पे धूप है, पर ठंड का कहर ऑलरेडी जो है यहाँ पे फील हो रहा है भाई। गाड़ी भाई साहब इतना मतलब अप है ना, रोड इतना ज़्यादा अप है, मेरा स्कूटर भाई साहब रो दे रहा है, अंदर से बोल रहा है बेटा रहने दे रहने दे रहने दे और मत दौड़ा मुझे बेटा। इसका आवाज़ से मुझे अंदर से ना पता चल रहा है, पर भाई साहब क्या करूँ, मेरा भी तो मजबूरी है। हाँ, और यहाँ पे शायद हम कैंपिंग कर सकते हैं रात को, वो तो रात को पता चलेगा। अभी फ़िलहाल शाम होने से पहले लोग शायद यहाँ से निकल जाएंगे, अगर शाम से पहले अगर लोग यहाँ से निकल गए ना तो यहाँ पे कोई करेंगे। और रात को कल जो है शायद कोशिश करूँगा मैं ट्रैकिंग करने की हाईएस्ट पॉइंट पे। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर तक पहुँच गए हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो कल मैं जाऊँगा वहाँ तक ट्रैकिंग करके, ये जो शायद रोड है यहाँ तक, और यहाँ से जो है लोग शायद ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। सो दोस्त फिलहाल मैं जो है पूरा हाईएस्ट पीक पे हूँ, ओडिशा का जो हाईएस्ट पीक है देवमाली का, वहाँ पे मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ। आप लोग ये जो देख रहे हो भाई नज़ारे जो है भाई ब्रेथ टेकिंग है। और सोच रहा हूँ यहाँ पे जो है 4-5 दिन मैं रुक जाऊँ, और रात को शायद मैं यहाँ पे, शायद तो नहीं ये कन्फर्म है कि मैं रात को आज यहाँ पे रुकने वाला हूँ और यहाँ पे कैंपिंग करने वाला हूँ अकेले। और यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल सारे हैं और पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं, और वहाँ पे शायद कैंपिंग करूँगा आज मैं रात को। और भाई व्यू देखो यार, मतलब है ना, हर तरफ आप ओडिशा का टॉप पॉइंट पे हो, टॉपेस्ट मतलब पिकेस्ट पॉइंट पे हो ओडिशा का। नीचे इसके आसपास जितने भी सारे आपको गांव दिखाई दे रहा है, जो रोड है नीचे तक जाता है, ये जो नीचे आपको गांव दिखाई दे रहा है, दूर पे शायद आपको दिखाई दे रहा है पता नहीं, जितना भी सारे गांव है ना सारे के सारे गांव मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। पिछले एक हफ्ते तक मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। टॉपेस्ट जो पीक है वहाँ पे अगर आपको जाना है तो उस जगह पर जाने के लिए आपको ट्रेकिंग करना पड़ेगा, और वो जगह है वो अराउंड, ऐसे तो दूर से पता नहीं चल रहा है पर मुझे लग रहा है अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग तो होगा, 800-900 मीटर तो ट्रैकिंग होगा ही। तो मैं कोशिश करूँगा कल सुबह को उस जगह पर ट्रैकिंग करके वहाँ पर ऊपर तक जाऊँ। और फिलहाल जो है इस ब्लॉक को यहीं पर रुकना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल मैं अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते तक सिर्फ देवमाली का ब्लॉग आएगा, और देवमाली में जितने सारे गांव हैं आसपास बहुत ही खूबसूरत सारे गांव हैं, आप सोचो हर तरफ ऐसा नज़ारा है राइट, और बीच में जो है नीचे साइड साइड में गांव सारे हैं, मतलब उतना बड़ा गांव नहीं है, छोटा मोटा गाँव है, ऐसे कि 20-30 फैमिली या फिर 50 फैमिली वाला गाँव है। और मैं कोशिश करूँगा हर गाँव में जाऊँ और हर गाँव का जो ब्यूटी है मैं आपको दिखाऊँ, और यही मेरा कोशिश रहेगा राइट। सो दोस्त सुनो, है ना, बात ऐसा है, इंसानियत को अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना वो है दुआ और दवा की, है ना। आप दुआ में याद रखिए, दवा का क्या है, दवा तो दुकान पे भी मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहें सेफ रहें, खुश रहें, उससे भी ज़रूरी हंसते रहें, क्या ही पता आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए। जय जगन्नाथ।
जय हिंद।